हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आए हो सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं सेगांव और हम तैयार हो चुके हैं। तैयार होकर के जाएंगे अभी हम गोरना, क्योंकि गोरना से ही हमारी 4 बजे की ट्रेन है और हम एक दिन के लिए जा रहे हैं क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन हमारी ट्रेन है। और हम अभी पहुंच चुके हैं स्टेशन में और सेगांव वाले डायरेक्ट ट्रेन आपको कहीं से भी मिल जाएगी या फिर बस से भी सेगांव आ सकते हैं, लेकिन सेगांव आने के लिए ट्रेन सबसे सस्ता और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। और सेगांव रेलवे स्टेशन से गजानंद महाराज जी का मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग वहां जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं और हमारी ट्रेन भी लगभग आने ही वाली होगी। और वैसे भी हम लोग के पास ज्यादा सामान नहीं है क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद हमको एक दिन स्टे करना है। और अब हमारी ट्रेन भी आ गई और 4 घंटे सफर करने के बाद फाइनली हम सेगांव पहुँच गए और रात के 8 बज चुके थे और हम सब बहुत ही ज्यादा थक गए क्योंकि सफर सफर होता है, चाहे आप बैठ करके आओ चाहे आप लेट करके आओ, थकान तो हो ही जाती है। और दोस्तों, सेगांव रेलवे स्टेशन के बाहर से ही हमको फ्री बस सर्विस मिलती है जो आपको रेलवे स्टेशन से गजानन महाराज के मुख्य मंदिर तक फ्री में छोड़ा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमको ये पता नहीं था क्योंकि हम सब पहली बार आए थे यहाँ। फिर क्या था, हमने ऑटो पकड़ी और निकल पड़े। और वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी जगह है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। और लीजिएगा इस विसावा भक्त निवास हम लोग पहुँच गए और अभी हमारे पापा जी और काका जी अभी रूम बुकिंग के लिए गए हैं, तब तक हम बाहर बैठ करके पापा जी का इंतजार करते हैं। और दोस्तों, विसावा भक्त निवास में आपको 200 से लेकर के 520 तक का रूम मिल जाएगा। और सेगांव में रहने के लिए गजानन महाराष्ट्र की तरफ से भक्त निवास बने हुए हैं और उन्हीं में से एक ये भी है। और दोस्तों, अगर आप सिंगल है तो आपको डॉर्मेट्री बेड दिया जाएगा, उसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज है। और ये भक्त निवास मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, बहुत देर हो गई थी, अभी तक पापा आए नहीं है, रूम का क्या हो रहा है क्या नहीं ये नहीं पता, काफी टाइम हो गया बाहर बैठे बैठे, तो हम लोग निकल पड़े खाना खाने। तो दोस्तों, हम लोग अंदर आने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा साफ सफाई दिखी। हम लोग यहाँ पर चप्पल या जूता नहीं ला सकते थे क्योंकि अंदर लाना मना था। और दोस्तों, यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं इनको निःशुल्क प्रसाद दिया जाता है और ये जो खाना है अनलिमिटेड प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों, हम लोग को बहुत ही तेज भूख लगी थी, हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया क्योंकि रात के 10 बज चुके थे। वैसे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर जितने भी वर्कर्स देख रहे हैं ये सब फ्री में यहाँ पर काम करते हैं, काम करने के पैसे भी नहीं लेते। और यहाँ के वर्कर्स आपको हर जगह पर मिलेंगे, काम करते हुए दिखेंगे और ये लोग बहुत ही मन लगा के काम करते हैं। बोलते हैं कि बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, उनका नंबर लगता है तभी वो लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। और वैसे दोस्तों, फ्री में तो कोई भी काम नहीं करता, सबकी अपनी अपनी भक्ति। और दोस्तों, ये सब देख करके, इनकी बातें सुन करके तो मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा। खैर छोड़ो, चलिए फिर आते हैं खाने पर। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और शिरडी से ज़्यादा अच्छा खाना मुझे यहाँ पर लगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने अपने रूम की ओर। और दोस्तों, हमारा रूम 3rd फ्लोर पे था और हम लोग लिफ्ट से ऊपर गए और यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है। हम लोग पहुँच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की ओर। हमने 2 रूम बुक किया है, लेडीज अलग और जेंट्स अलग। और दोस्तों, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको यहाँ पर रूम आसानी से मिल जाएगा और यहाँ पर हर चीज की सुविधा उपलब्ध है। और दोस्तों, ये हमारा रूम है। और दोस्तों, बहुत ही बड़ा रूम था, बहुत ही अच्छे से साफ सफाई तरीके से रखी गई थी हर चीज। मुझे तो यहाँ की साफ सफाई देख करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों, अगर आप सेगांव घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि हर चीज की यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी गजानन स्वामी के टेम्पल बने हुए हैं वो सभी हम घूमने वाले हैं कल। और बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक, आपको पूरे टेम्पल की दर्शन कराने वाली हूँ। तो चलिए फिर गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।